हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज फिर से हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द वायर ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड विथ बोरोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10^6 पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स बोरोन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसका मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इंसर्ट की जा रही है। एंड अज्यूम टू बी फुली आयोनाइज, और फुली आयोनाइज का मतलब ये है कि वो उतने सारे होल्स वहां प्रेजेंट रहेंगे। इट इज एक्सपोज टू लाइट सच दैट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द वायर एट द रेट ऑफ 10^20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पे दूसरा डायमेंशन दिया है, सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड इनवर्स। पहला डायमेंशन क्या दिया था, बोरोन कॉन्सेंट्रेशन 10^16 पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की रेट दी हुई है आपको। तो इफ द रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम इज 100 माइक्रोसेकंड, रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम दिया है 100 माइक्रोसेकंड। इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन यहाँ पे दिया है एन आई, क्लियर कट बोला है एन आई इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है सिलिकॉन का, और दैट इज 10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड अज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ बोरोन, तो बोरोन का 100% आयोनाइजेशन आपको अज्यूम करना है। दैट मीन्स उतने पी टाइप, दैट मीन्स पी टाइप होल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। देन दे अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट ऑफ स्टडी स्टेट इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू दिस लाइट एक्सपोजर इज। ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, 2 × 10^20 पर सेंटीमीटर टू द पावर -6, 10 to the, दूसरा ऑप्शन है 10^32 सेंटीमीटर टू द पावर -6, तीसरा ऑप्शन है 10^20 सेंटीमीटर टू द पावर -6, एंड चौथा आंसर है 2 × 10^32 सेंटीमीटर टू द पावर -6। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो बोरोन कैसा है, बोरोन कैसा मटेरियल है, एक्सेप्टर टाइप डोपिंग, दैट मीन्स एक्सेप्टर टाइप डोपिंग मटेरियल है यहाँ पे बोरोन, है ना। जानते हैं हम कि ट्राइवेलेंट होता है, तो ट्राइवेलेंट कैसा काम करता है, एक्सेप्टर टाइप। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमें 10^16 पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली जीओपी इज गिवन 10^20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटर जनरेशन यहाँ पे दिया है, तो 10^20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। टाउ जो दिया है, लाइफ टाइम रिकॉम्बिनेशन दिया है आपको, यहां से क्वेश्चन में देखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम दिया है 100 माइक्रोसेकंड्स। इसके बाद आपको यहाँ एक और क्वांटिटी दी है, वो इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्वांटिटीज गिवन है, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बिफोर शाइनिंग लाइट, दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होल कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम बात करें होल कॉन्सेंट्रेशन की, तो होल कॉन्सेंट्रेशन होता है P0, दैट इज अप्रोक्सीमेटली एक्सेप्टर एम्प्योरिटीज के, दैट इज इक्वल टू 10^16 पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू N0 एंड दैट इज इक्वल टू Ni² डिवाइडेड बाय P0, दैट इज इक्वल टू 10^20 डिवाइडेड बाय 10^16 डेट इज 10^4 सेंटीमीटर -Q। आफ्टर अब ये इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट क्या होगा, होल कुछ नए होल जनरेट होंगे, कुछ नए इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो हियर आफ्टर इल्यूमिनेशन
ऑफ लाइट। तो पी इक्वल टू पी जीरो प्लस डेल्टा पी और एन इक्वल टू एन जीरो प्लस डेल्टा एन। दैट मीन्स कुछ इल्यूमिनेशन के बाद जो है कुछ होल्स जनरेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे डेल्टा, लेकिन यहाँ पे क्या है लाइट फॉल होने के बाद एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा डेल्टा पी बराबर डेल्टा एन, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे, दैट इज इक्वल टू जी ओ पी इंटू टाउ। हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 टू द पावर 20 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये वैल्यू आपको गिवन है जी ओ पी की 10 टू द पावर 20 और यहाँ पे टाउ की वैल्यू है 100 माइक्रोसेकंड, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया है दैट विल प्रोवाइड अस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी पी और एन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पी इक्वल टू 10 टू द पावर 16 प्लस 10 टू द पावर 16, इस फॉर्मूले से देखेंगे यहाँ पे 10 टू द पावर 16 प्लस 10 टू द पावर 16 दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। एन को जब कैलकुलेट करेंगे देन एन इक्वल टू 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 16 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 10 टू द पावर 4 इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू 10 टू द पावर 16, तो हमने यहां से 10 टू द पावर 16 ले लिया। अब हमने प्रोडक्ट लेना है स्टडी स्टेट इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन का, तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे एट स्टडी स्टेट, प्रोडक्ट एट स्टडी स्टेट दैट इज इक्वल टू एन पी एंड दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 16 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 32 सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 6, दैट इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट और दैट इज ऑल्सो डिजायर्ड आंसर। Thank you.